नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला के साथ गाली गलौच और हाथापाई करने के मामले में आरोपी श्रीकांत त्यागी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। श्रीकांत त्यागी को उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने मेरठ से गिरफ्तार किया था। पुलिस को श्रीकांत त्यागी के पास से विधायक का पास मिला है। उसने पूछताछ में पुलिस को ये जानकारी दी है कि श्रीकांत त्यागी के पास जो विधायक का स्टिकर है उसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है, लेकिन एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि बीजेपी पूरे देश को झूठ और भ्रमजाल में फंसा रही है। मैं तो पिछले कई महीने से विधानसभा ही नहीं गया। मैं 11 जुलाई को एमएलसी बना और उसके बाद कोई पास नहीं बना है। आपको बताते चलें कि समाजवादी पार्टी सदस्यता कार्यक्रम के तहत देवरिया पहुंचे पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिले के कई हिस्सों में स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया है। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के घर पहुंचकर तिरंगा भी फहराया। श्रीकांत त्यागी भारतीय जनता पार्टी का बेसिक कार्यकर्ता था, उत्तर प्रदेश किसान मोर्चा में पदाधिकारी था, किसान मोर्चा राष्ट्रीय कार्य समिति में सदस्य था। उसके फोन माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, माननीय उप मुख्यमंत्री के साथ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के साथ और मानव मन ही कितने बड़े बड़े नेताओं के साथ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने पाप का चादर किसी और पर डालने की नापाक कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने पाप को छिपाने के लिए बात बनाने में माहिर है, हजार झूठ बोल करके सच साबित करने की कोशिश में वो माहिर है। और साथ ही साथ 4 दिन लगातार मीडिया के माध्यम से सारे नेताओं के साथ उनके पोज को खोला गया है और जब देखा कि भाजपा बदनाम हो रही है तो ढूंढ फिर करके स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम खोज लाए। ओमेक्स सोसाइटी में महिला के साथ गाली गलौच और हाथापाई करने के मामले में आरोपी श्रीकांत त्यागी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। श्रीकांत त्यागी को यूपी एसटीएफ ने मेरठ से गिरफ्तार किया है। पुलिस को श्रीकांत त्यागी के पास से विधायक का पास मिला है। उससे पूछताछ में पुलिस को ये जानकारी मिली है कि श्रीकांत त्यागी के पास जो विधायक का स्टिकर है उसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने, लेकिन एसपी नेता स्वामी प्रसाद कहा है कि बीजेपी पूरे देश को झूठ और भ्रमजाल में फंसा रही है। मैं तो पिछले कई महीने से विधानसभा भी नहीं गया हूं और मैं 11 जुलाई को एमएलसी बना और उसके बाद कोई पास नहीं बना है। आपको बताते चलें कि समाजवादी पार्टी सदस्यता कार्यक्रम के तहत देवरिया पहुंचे पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिले के कई हिस्सों में स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया है। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के घर पहुंचकर तिरंगा भी फहराया।